क्या कहना चाहिए सबसे, आप पहले आपका पूरा नाम और शो में क्या किरदार है आपका? मेरा नाम जितेंद्र त्रिहन है, अदना से एक्टर हूँ और ये नए शो उड़ान में मेरी नई एंट्री है। शो तो 4 साल पुराना है, बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें मैं एक पॉलिटिशियन मंत्री की हैसियत से एंटर कर रहा हूँ और मेरी इंटरेक्शन जो है यहाँ यूपी के दबंग आदमी के साथ है जो मेरा मित्र है, जिसके मैं काम करवाता रहता हूँ। मेरी बेटी है, बहन है मेरी, जिसकी शादी करनी है मुझे। अब क्या होने वाला है आगे, बहुत ऊँच ऊँच नीच होने वाला है, बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा। के बारे में क्या कहना, कितना मज़ा अपने रोल के बारे में? रोल है, अलग है, ग्रेशियस है और मंत्री का मज़े ही होते हैं उसमें, ग्रे शेड होती है, कोई ग्रे शेड के बिना मंत्री नहीं हो सकता। तो अच्छा है, थोड़ा मिलेगा, अलग अलग वेरिएशन मिलेगी। आपके साथ में कुछ 8-10 करेक्टर की एंट्री है, शो में नया मोड आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? जब एक समझ लीजिए परिवार पूरा साथ आ गया ना, दूसरी तरफ से भी और मेरे साथ भी, मेरे साथ मेरी बहन है। अब आगे क्या क्या दिखाएंगे मालूम नहीं है। और बाकी दूसरे जो है दबंग यहाँ के गुमान सिंह जी, वो मेरे से पहले एंटर हो चुके हैं, उनकी सिस्टर है, उनके 2 भाई हैं, उनकी सुंदर सी बीबी है, बहन है। तो इस तरीके से ताम झाम बना हुआ है और इंटरेस्टिंग बना हुआ है और कास्ट देखने में बहुत अच्छी है सारी। डोली और वाले से बीच में क्या क्या बीच किरदार की बात है, आपने काफ़ी सारे शो में क्या कहना चाहेंगे? अब डोली और मानो की बात तो मैंने स्वाभिमान किया, राजश्री का मामा का रोल था, बड़ा अच्छा लगा। वो फिल्म सिटी में शूट करते थे हम। उसके बाद कैमियो किए मैंने तंत्रा सीरीज़ की, वेब सीरीज़ विक्रम भट्ट जी के साथ। और उसके बाद कुछ एपिसोड वो अपना सा के किए जिसमें मुझे मज़ा नहीं आया और मैंने उनसे इजाज़त मांगी। और अब ये कर रहा हूँ, एक शॉर्ट फिल्म की है डोरी पे, 15 मिनट फेस्टिवल के लिए, और इसमें एंट्री कर रहा हूँ आपके सामने उड़ान में। बीच में 4-5 महीने का मैंने अपनी खुद मुख्तारी से गैप लिया हुआ था, अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा था कुछ, उसको फाइनल करने के लिए।